सर चिपक जाएगी गाड़ी और चपटी हो जाएगी। लड़ना नहीं है, डिबेट करनी है, ये समझना है कि ये गाड़ी मार्केट के लिए तैयार है कि गाड़ी कौन सी है। गाड़ी, जी हाँ गाड़ी है कॉमेट। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, अनिर्बान एंड सैम आपके साथ हैं। ये है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी एमजी की तरफ से, जो कि 3-4 गाड़ियां बाजार में उतार के सक्सेस को टेस्ट कर चुका है ग्लोबल मार्केट में। 1924 से मौजूद है, ZACV हो, ग्लॉस्टर हो, हेक्टर हो, इन सभी गाड़ियों को कामयाब। रेंज, इसकी रेंज इलेक्ट्रिक की बात करते सीधा रेंज में सवाल आ जाता है। चलिए आपको मोटा मोटी बता देते हैं, रेंज है इसकी 230 17 किलोवाट की एक बैटरी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और टाटा पावर्ड कह सकते हैं क्योंकि जो बैटरी है वो टाटा से सोर्स की गई है। रियल लाइफ में लगभग 180 से 200 मान के चले, 180 से 200 मान के चलते हैं और चलाएंगे इसे। लेकिन उससे पहले इट्स अ वेरी क्यूट डायमेंशन, वेरी फन कार। हाँ, फन कार। तीन तरीके से हम किसी भी गाड़ी को अगर समझना है तो जरूरी है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि वो गाड़ी को उतारने में उसने क्या सोच रखी थी, कस्टमर के लिए इसके कितना फ़ायदा है, और क्या मार्केट तैयार है या नहीं। इन तीनों बातों को समझेंगे। सबसे पहले तो गाड़ी को समझ लेते हैं क्योंकि इस गाड़ी में बहुत कुछ नया है और आपको भी कुछ रोचक दिख रही होगी इसकी डायमेंशन, क्योंकि इस तरह की क्यूट लुकिंग कार मार्केट में नहीं है। और जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं इस बॉडी फॉर्म पे, मतलब टू डोर वाला जितना भी फॉर्मेट रहा है भारतीय बाजार में, है ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जितना भी मेरा व्हाटएवर आई कैन रिकॉल, महिंद्रा की कुछ गाड़ियाँ आती थी टू ओर एवा, उनका मामला ठंडा गर्म रहा है। ठंडा गर्म रहा है क्यों? क्योंकि शायद उस वक्त मार्केट तैयार नहीं था, शायद टेक्नोलॉजी उस जगह पर नहीं पहुंची थी, शायद ग्लोबली लोगों ने गाड़ियों को इतना नहीं देखा था और शायद इसलिए उस वक्त एक्सेप्टेंस नहीं बन पाई। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, अब इंटरनेट का दौर है, अब हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जानता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, तो ऑडियंस ने एक दूसरे के बहुत पास हो चुके हैं। यानी कि जो चाइना में बिक रहा है वो इंडिया में भी बिक सकता है, जो यूरोप में बिक रहा है वो इंडिया में भी बिक सकता है। कस्टमर के टेस्ट के लिए कितना बदलाव किया गया है ये समझना है। डायमेंशन से शुरू करते हैं, इसकी पहले एक बार लेंथ देख लेते हैं अनिर्बान। ये सर 3 मीटर से छोटी लग रही है, 3 मीटर से छोटी गाड़ी है, और इसकी जो पूरी लेंथ हमारे इस टेप में आ रही है एंड दैट इज लगभग 2970 मिलीमीटर की है इसकी लेंथ। एक बार हाइट चेक करेंगे अनिर्बान। हाइट ऑलमोस्ट हमारी जैसी है, मतलब 1610 मिलीमीटर लग रही है इसकी ओवरऑल ऊंचाई। इससे आप प्लीज मेरी हाइट का अंदाजा ना लगा, मैं काफी लंबा हूँ। तो हाइट आप देख सकते हैं इसकी, हाँ 1610, यानी कि टॉल बॉय डिजाइन। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां तो आती हैं, तो ये एक जो चीज है ये थोड़ा सा 12 इंच के हैं। स्टील व्हील ऊपर कैप लगा रखा है, हाँ, लिटिल कॉज ऑफ कंसर्न फॉर श्योर, क्योंकि रोड पर इनकी ग्रिप कितनी रहेगी, कितना डायनामिक्स में इशू हो जाता है, डायनामिक्स में कितना इशू होगा। लेकिन ये चलाने के बाद ही हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, वो हम समझ लेते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस एक बार देखेंगे अनिर्बान, ग्राउंड क्लीयरेंस ये 150 मिलीमीटर से कम है। ग्राउंड क्लीयरेंस पर उम्दा है, राइट, बट अब इसकी सस्पेंशन की सेटिंग कैसी है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो साइज है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो लेकिन सर यहाँ पे थार वाला कॉन्सेप्ट क्या करोगे सेकंड रो में घुसने के लिए? मुश्किल नहीं है, जो ये बात सोच रहे हो हमारे दर्शक की ये 2-सीटर तो नहीं है, नहीं ये 2-सीटर नहीं है, और अगर आप पीछे की 2 सीट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तरीका जो है वो बेहद आसान है। हाँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, तो इसलिए ना ये समझना जरूरी है अनिर्बान कि ये गाड़ी है किसके लिए, हु इज द टारगेट ऑडियंस, राइट। इस गाड़ी का जो मेन टारगेट है ना वो सर, वो समझने के लिए ना अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कुछ दुनिया ही अलग है। हम गाड़ी के बारे में तफसील से बताएं, ध्यान रखिएगा ये गाड़ी आपकी रोजमर्रा की छोटी जरूरतों के लिए है। 40-50 किलोमीटर से डे, 250 की रेंज, इसमें जो है चार्जिंग जो है वो भी फास्ट चार्जिंग मेरे ख्याल में उपलब्ध नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इसको चार्ज होने में कितनी देर लगती है? लगभग 6 घंटे का वक्त लगी, 3.3 किलोवाट वाला जो कम्प्लीमेंट्री वॉल बॉक्स चार्जर आ रहा है उसी से इसे चार्ज करेंगे तो फुल चार्ज होने में 6 घंटे का वक्त लगी। सर एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, इस वक्त
जो गाड़ी को हम कंपटीशन में रख रहे हैं टियागो या फिर सिट्रॉइन की C3, शायद वो प्रोपोर्शन बॉडी टाइप में इसकी कंपटीशन ना बने, कीमत के प्राइस लिहाज से शायद। इसलिए अनुमान मार्केट के लिए ये भी ज़रूरी है ये देखना कि किसी भी मैन्युफैक्चरर ने किस उद्देश्य के साथ उस गाड़ी को निकाला। ठीक है, हर चीज़ शायद कॉम्पिटिशन की बात करना लाजमी भी नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी का मकसद है वो कुछ और है, इस गाड़ी का मकसद कुछ और है। उस गाड़ी को आप हाईवे पे भी ले जा सकते हैं, उस गाड़ी का टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है, उस गाड़ी की वैल्यू प्रपोजिशन बिल्कुल अलग है, उसकी क्वालिटी और उसकी जो मार्केट स्टैंडिंग है वो बिल्कुल अलग है। बट ठीक है, कस्टमर सर, देयर इज वन मोर फैक्टर। अगर टियागो या सिट्रॉन की तरफ देखें, वो आईस से ईवी में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ये है बॉर्न इलेक्ट्रिक, बॉर्न इलेक्ट्रिक, तो पैकेजिंग का काम यहाँ पे बहुत बेहतर होना चाहिए, जो केबिन के अंदर घुस के पता चलेगा। दिस इज अ स्केलेबल प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली माइंडेड, ये स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, इसको बैटरी को भी बड़ा रख के बनाया जा सकता है, स्पेस ज्यादा दिखा सकता है, स्पेस ज्यादा बनाया जा सकता है, इसको अलग अलग बॉडी टाइप में लाया जा सकता है, अलग अलग बॉडी टाइप में लाया जा सकता है। सो ये एक इंटेलिजेंट शुरुआत कह सकते हैं, और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी को तो कुछ नया दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ बोल्ड स्टेप्स है जिससे इंडियन इंजीनियरिंग एक टाइम पे वर्ल्ड मैप पे आ गई थी। ठीक है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा नैनो, राइट। फ्रूगल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये टाटा ने उस गाड़ी से पूरी दुनिया को बताया था। टाटा की ब्रांड की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश थी और उस कोशिश को लोगों ने पसंद किया था, तो यहाँ भी एक कोशिश है, बट एक बार ये ध्यान में रखनी होगी कि ये कोशिश बाहर की जा चुकी है, राइट। उसका रेप्लिका है जो यहाँ पे उतारा गया, लेकिन अब इसमें कितना चेंजेस है। लोकल असेंबली की अगर हम बात करें तो CKD है, लोकली असेंबल्ड हो रही है, लेकिन बहुत सारा 50 से 55% जिस बैटरी की हम बात कर रहे हैं ना, ये बैटरी भी जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं टाटा, जी हाँ, वहीं से सोर्स की गई बैटरी है जिसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि टाटा पावर्ड MG की हम बात कर रहे हैं। एंड लेट्स टेक अ स्पिन इन द सिटी एंड सी हाउ इट इज इनसाइड आउट। Fasten your seat belts because we are going to check this beautiful city of Delhi in this cute looking MG Comet. Anirban, इस बात को तो मानोगे ना, जब बाहर डायमेंशन हम चेक कर रहे थे, हमें लग रहा था अंदर बैठने की जगह होगी या नहीं। पैकेजिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैं सेकंड रो में बैठा, मेरी हाइट 5'7" है, मैं मतलब आराम से पैर तो मूव कर सकता हूँ। मेरे पीछे कार्गो स्पेस नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये पीछे वाला जो सीट है ये 50-50 फोल्डेबल है, और फोल्ड करने के बाद आप दो पूरी गोल्फ किट रख सकते हैं, इतनी जगह मौजूद है। और अनिर्बान स्पेशली इस वक्त शॉफर ड्रिवन गाड़ी का मजा इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि अनिर्बान की जो हाइट है वो 5'8" है। नहीं, बात ये नहीं है, आपसे मैं ज्यादा फिट हूँ तो मैं यहाँ फोल्ड करके अंदर घुस सकता हूँ, उम्र ज्यादा है ना आपकी, तो इसलिए मैंने पीछे बैठने का यहाँ पे आज डिसीजन लिया। अब तक अनिर्बान सिर्फ मेरी हाइट पे ताना मार रहा था, उम्र पे भी ताना मारने लग गया है। सर उमर की जब बात करते हैं, गाड़ी थोड़ी मुझे फ्रेश लग रही है, नहीं लग रही। यस, सो ये उनके लिए है जो कि ना कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, यू नो दैट वाइब दैट यू गेट, एंड दैट वाइब इज इनसाइड। इट्स अ वेरी यंग कूल लुकिंग कार। आई एम यंगर देन अनिर्बान बाय द वे, हाँ, ये उम्र पे चला जाता है, लेकिन ये मेरी उम्र वालों को भी बहुत अच्छी लगने वाली, क्योंकि इट इज एक्चुअली यंग फ्रेश। और कस्टमाइजेशन के इतने सारे ऑप्शन है, हमने जब MG ने इन गाड़ी का लॉन्च सीक्वेंस हमें दिखाया था तो बड़े सारे कस्टमाइजेशन, छह या सात, उसमें जिस तरह की ग्राफिटी का इस्तेमाल किया गया, कन्वर्टेबल था, कौन सा था, कन्वर्टेबल भी मौजूद था। ठीक है, टू सीटर का असली मजा ले सकते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि टू सीटर नहीं है, टू डोर जरूर है लेकिन टू सीटर नहीं है, वो पीपल कैन कंफर्टेबली सिट इन दिस कार एंड गो फॉर। मुझे बेस्ट में इसका स्क्रीन लगा है, ये ट्विन स्क्रीन जो है 10 लाख के नीचे दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट, या क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चर ने इस तरह के ट्विन स्क्रीन 10 लाख की नीचे की गाड़ी में तो नहीं दिया, बहुत ही उम्दा लग रहा है। कनेक्टेड कार के मामले में MG ने हमेशा से अपना USP बनाया, तो यहाँ पे भी 55 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स हैं जो कि आपको मिलते हैं। मुझे बनना हो तो मुझे बस अपने सेफ्टी नेट से बाहर आना है, छलांग लगाना है, एंड आई कैन इजीली RR स्टाइल में एक दरवाजे से अंदर उसको दूसरे दरवाजे से निकल सकता हूँ। और ये जो डायल्स हैं, बड़ा खास ध्यान रखा गया, आप डिजाइन देखेंगे ना, सब कुछ यंग फील है, और कहीं पे भी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है दोस्तों। इट्स द क्वालिटी वेयरएवर यू टच इट्स कंसिस्टेंट, कहीं पे भी पैसा बचाने की कम से कम इंटीरियर में कोशिश नहीं की गई है। गैप्स देखिए, आपको कहीं पे भी यू वोंट फाइंड एनी गैप्स एनीवेयर। लुक एट दिस पैनल सर, ये सामने ग्लव बॉक्स की
सब कुछ दे दिया तो फिर 100% गाड़ी नहीं बन जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ तो कटौती होगी। हाँ बट ये स्कूटर टाइप के हुक्स दिए गए सामने। यस यहाँ पे मतलब वो सब्जी वाले पैकेट लटका दिए हैं। यूएसबी चार्जिंग, दो यूएसबी चार्जिंग और दो यूएसबी चार्जिंग है और दो हुक हैं जो कि आपको दिए गए हैं। ये जो स्पेस खाली है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोव बॉक्स नहीं है तो इसका भी वाजिब इस्तेमाल जो हो सकता है। इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इंटरेस्टिंग इसका स्टीयरिंग व्हील लग रहा है। यस इट्स लुकिंग वेरी फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक हम बोलते रहते हैं लेकिन वो जो हम गेम्स में देखते हैं सच में दिखता है, दिखता है और इसकी एक्सबॉक्स वाला फील आ रहा है बटन। बट यहां पे एडजस्टेबल भी है, वाओ दैट्स कूल। इट इज एडजस्टेबल बट जस्ट द राइट। लेकिन सर गाड़ी इतनी छोटी है ना, इसमें ना स्पेयर व्हील का जगह नहीं है तो कंपनी ने ये दिया है। ये है आपका एयर इन्फ्लेटर और टाटा की गाड़ियों में हम ऐसा देख रहे हैं एक लिक्विड का इस्तेमाल होता है, आप डाल दीजिए और ऑटोमेटिक कुछ देर के लिए बच जाता है। बात एमजी की कर रहे हैं और इस एमजी की बात करते करते भी टाटा की जो नाम है कई बार निकल कर बाहर सर वो ठीक है, टाटा और एमजी लगे पड़े हैं इलेक्ट्रिक को मोबिलिटी करने में अनडाउटेडली। सर और एक किट भी है, ये भी पीछे रखा हुआ था, ये भी दिखा देते हैं। इसमें वो चार्जर है। यस yes, चार्जर की हम बात कर बात करें 6 घंटे के करीब आपको समय लेगा पूरे फुली चार्ज करने में। अनुमान ये भी सोचने की बात है हम इस गाड़ी को कैसे प्रमोट करेंगे या फिर बताएंगे दर्शकों के लिए फायदा है कि इसका टर्निंग प्रमोट नहीं कर रहे हैं सर, प्रमोट नहीं कर रहे ये मत बोलो, लेकिन जैसे एक्सटीरियर बहुत क्वर्की है लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, मतलब इट्स लाइक ऐसा नहीं कि आप देखोगे तो आपको ओवरनाइट चेंज फील होगा कि इसका जल्दीबाजी राइट क्विक डिसीजंस वी कैन टेक विद दिस कार बिकॉज़ इट इज इजी टू मैनूवर। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो 4.2 का है जो कि बहुत अच्छा आराम से पार्किंग हो जाएगी और जल्दी जल्दी आप निकल जाएंगे, लेकिन वो जल्दीबाजी फिर चार्जिंग में फंस जाएगी क्योंकि आप जितना भी समय उसमें बचाने की कोशिश करेंगे चार्जिंग में तो उतना ही टाइम लग रहा है। यानी कि फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो बेहद जरूरी है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ये बैटरी भी दिस इज लिक्विड कूल बैटरी नहीं, ये लिक्विड कूल बैटरी नहीं है बट कंपनी कुछ प्रिज्मेटिक सेल की बात कर रही है व्हिच इज काइंड ऑफ मोर एडवांस्ड कंपनी कह रही है अगेन टाटा सिलिंड्रिकल बैटरीज भी उससे ज्यादा एडवांस्ड है, उससे ज्यादा सेफ है ऐसा मानना है। और इसके बारे में सर इसका ना मुझे रिवर्स कैमरा सही लगा, एक बार रिवर्स कीजिए, क्वालिटी इज डिसेंट इस सेगमेंट में गाड़ियों की। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी, सेंसर्स भी दिए गए हैं। यस व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टेड कार फीचर्स दैट आर गिवन इन द कार दिस सीम्स टू बी अ वेरी फुली लोडेड कार। सर फर्स्ट क्वेश्चन, कैन इट बी योर ओनली एंड फर्स्ट कार? इट कैन बी द फर्स्ट कार फॉर श्योर, ओनली कार डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट बट इफ यू आउट स्टेशन तो कर नहीं सकते, आउट स्टेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड कार और मे बी योर थर्ड कार, कार यूज फॉर सोलो ड्राइविंग ठीक है उसके लिए ये बहुत अच्छी है। सोलो ड्राइविंग क्विक ड्राइविंग दिस सीम्स टू बी अ सिटी रन, परफेक्ट सिटी रन। हाँ क्योंकि अगर मैं 1000 किलोमीटर चलाता हूँ तो मेरा जो खर्चा वो करीब 550 रुपये तक का आएगा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो उस हिसाब से तो फायदेमंद है। ड्राइव पे चलते हैं, चलिए दरवाजे को करते हैं बंद, सीट हमारी हो चुकी है लॉक और हमारा सफर हो चुका है शुरू। पहली जो बड़ी बात नोट करी आने वाला वो यही है कि स्पीड ब्रेकर से बचाकर चलें। सो सस्पेंशन स्टिफ होने की वजह है पहली तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है और दूसरा टॉल बॉय डिजाइन, छोटे व्हील्स, अगर कर्व पे आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन रखेंगे तो पलटने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। बट अनिर्वाण ये गाड़ी हाई स्पीड चेस या फिर नहीं बनी इसका इस गाड़ी का एक पर्पस है, वो पर्पस है आपकी सिटी कम्यूटिंग में आपका साथ देना विद सस्ते में, हाँ विद पॉकेट फ्रेंडली नेचर राइट। सो पॉकेट फ्रेंडली है उसका जवाब होगा हाँ। काफी सेफ्टी टेस्ट हो चुके, डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, कंपनी के लिए 39+ स्ट्रिंजेंट मेजर्स ऑन द बैटरी पैक्स, तो ये सब चीजें तो हैं बट ड्राइव एक्सपीरियंस की अगर बात करें 42 PS की पावर है, 110 Nm पीक टॉर्क, दोनों ही चीजें सिटी कम्यूटिंग के लिए काफी है राइट। मतलब जो किक डाउन एक्सीलरेशन है ईवी के मुतालिक आई थिंक इट्स सफिशिएंट, आपको ऑब्वियसली वो थ्रोबैक वाला फील नहीं आएगा सीट पे, लेकिन पिकअप और ओवरटेकिंग करना इट्स नॉट अ बिग डिफिकल्ट थिंग एग्जैक्टली। और
मैनुवरेबिलिटी देखिए ना, वेदर इज गोना बी टाइट पार्किंग स्पॉट्स और एनी ऑफ दीज नुक्स एंड कॉर्नर्स वेयर यू नीड टू यू नो ज़िप ज़ैप ज़ूम, वहां पर इट मेक्स दीज डायमेंशंस मेक अ परफेक्ट केस, वेरी हैंडी राइट। घंटाघर, शक्तिनगर, करोल बाग, ये जो दिल्ली के जो एरियाज हैं जहाँ पर हमने ये जहाँ पर गाड़ी एक बार घुस जाए ना, आप एक बार आइए जरा यहाँ पे गाड़ी घुसा के देखिए, ठीक है, उसके बाद आपकी आपको नहीं याद आ जाएगा। यस, सो एक्चुअली विजिबिलिटी इज आल्सो नाइस फ्रॉम द फ्रंट सीट। यस, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर इन अ सिटी ऑफ बिल्डिंग, राइट, नीड गुड विजिबिलिटी। बट हम बार बार इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि सिटी कम्यूटिंग बिकॉज दिस इज नॉट फॉर हाईवेज एट ऑल, इज नॉट मेट फॉर हाईवे, इट वोंट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस टू गो ऑन हाईवेज एट ऑल। टायर्स यार, वो उनकी जो ग्रिप है ना, कभी कभी दिक्कत मैं आपको डाल सकती हूं, थोड़ा सा आपको चैलेंज जरूर देती है। सर, आजकल मुझे लगता है कि ये बैटरी के सेफ्टी में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। यहाँ एम जी ऑब्वियसली ZSEV बेचती है एंड थैंकफुली टिल नाउ बहुत कोई मेजर की साया नहीं है उस गाड़ी के साथ, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ डज दिस कॉमेट फेयर। Yes. हजार से 1200 गाड़ियां महीने में, साल की 15,000 गाड़ियां, आई थिंक MG has a winner in his hands. Only time will tell. मतलब इसका एक डिटेल रिव्यू करने की हम कोशिश करेंगे और लंबे वक्त अगर चलाने की हमें, एब्सोल्युटली हमारा आपसे वादा है हमारे प्यारे जागरण हाईटेक के दर्शकों के साथ, जिनका सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, वी मस्ट थैंक देम। और जो हमारे नए दोस्त बन रहे हैं उनसे कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट, because it's a community that we are trying to build, a community of car and bike lovers, a community of people who believe in good content, honest content, a community of people who just want to live their life, explore their life and do something extra, not just for themselves but for the whole society. Exactly. Thanks for watching.